अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा जो आज का टॉपिक है दैट इज़ अबाउट क्विक एनाटॉमी। लेकिन किसकी क्विक एनाटॉमी? डेफिनेटली आप लोगों को पिक्चर से आइडिया हो रहा होगा कि मैं किसकी क्विक एनाटॉमी की बात कर रही हूँ। सो इट इज़ नॉट अदर देन रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स के बारे में बात करते हैं कि हमारे पास कौन कौन से ऑर्गन्स हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में। सबसे पहला जो ऑर्गन है रेस्पिरेटरी सिस्टम में दैट इज़ और नोज, जहाँ से एयर एंटर होती है बेसिकली इनटू और रेस्पिरेटरी सिस्टम। और नोज से होती हुई एयर कहाँ हो जाती है? लैरिंग्स में, ठीक है, जो कि वॉइस बॉक्स भी कहलाता है या उसको एडम्स एप्पल भी आप कहते हो। यहाँ से साउंड प्रोड्यूस होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। जब एयर स्ट्राइक करती है आकर एडम्स एप्पल के ऊपर, तो वो जो वेव्स हैं, साउंड वेव्स जो हैं, प्रोड्यूस होती हैं। सो उसके बाद यहाँ से मूव होती हुई एयर जो है वो मूव करती है इनटू योर ट्रेकिया, जिसको कि आप विंड पाइप भी कहते हो। और यहाँ से विंड पाइप से होती हुई जो ट्रेकिया है वो बाइफर्केट हो जाती है इनटू राइट एंड लेफ्ट लंग। ठीक है, दो हमारे पास इसका मतलब है लंग्स है हमारी बॉडी के अंदर, दो लंग्स मौजूद है जिनको कि हम राइट लंग और लेफ्ट लंग कह रहे हैं। अब अगर हम इनसाइड स्टोरी देखें लंग्स की, तो लंग्स के अंदर हमारे पास ये जो ट्रेकिया है वो फर्दर ब्रांचेज ऑफ होता है इनटू ब्रोंकस, देन इनटू ब्रोंकियोल्स। ठीक है, उसके बाद जो फंक्शनल यूनिट है वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। ब्रोंकियोल्स के बाद भी फर्दर डिवीजन आती है, लेकिन वो क्या है वो मैं आपको भी आगे चल कर बताती हूँ। सो वी हैव नाउ हमारे पास नोज है, लैरिंग्स है, ट्रेकिया है, दो लंग्स हैं राइट लंग एंड लेफ्ट लंग, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मस्कुलर ऑर्गन है जिसको कि आप डायफ्राम कहते हैं, जो लंग्स की जो रेस्पिरेटरी सिस्टम की फिजियोलॉजी है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन समझा जाता है। सो अब हम मूविंग ऑन, यहाँ पर हमने देख लिया ऑलरेडी कि नोज मौजूद है हमारे पास, लैरिंग्स है जिसको आप वॉइस बॉक्स भी कह रहे हो, ट्रेकिया है, विंड पाइप है, राइट लंग है, लेफ्ट लंग है। सो जो ब्रोंकियोल, जो मैं भी थोड़ी देर पहले मैं बात करी थी कि जो ब्रोंकियोल्स हैं इसके बाद भी फर्दर डिवीजन होती है, वो क्या है, वो फर्दर डिवीजन क्या कहलाती है? जो फंक्शनल यूनिट है, द सिंपलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इज बेसिकली एल्वियोलाई। रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या मेजर फंक्शन है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस बेसिकली। सो जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो यहाँ एल्वियोलर स्टेज पर हो रहा होता है। द स्मॉलेस्ट, अगेन आई एम टेलिंग यू, द स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज व्हाट? इट इज एल्वियोलाई। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको सब ऑर्गन्स के जो फंक्शनल यूनिट है, स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट है, उनके बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एल्वियोलाई बहुत ही माइन्यूट से स्ट्रक्चर होते हैं, और ये बिल्कुल एक जो ग्रेप्स का बंच होता है उसकी तरह आपको लग रहे होते हैं। और यहाँ पर बेसिकली एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा होता है बिटवीन योर बॉडी एंड योर लंग्स, बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड योर लंग्स। सो मूविंग ऑन टूवर्ड्स द अदर ऑर्गन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो कि क्या है, ट्रेकिया है। और ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि आप ट्रेकिया को विंड पाइप भी कह सकते हो। सो मूविंग ऑन टूवर्ड्स द एनाटॉमी ऑफ क्विक एनाटॉमी ऑफ ट्रेकिया, तो यहाँ पर आपको देखो बिल्कुल रिंग्स नज़र आ रही हैं। तो बेसिकली ये रिंग्स किस चीज़ की? ये सी शेप्ड रिंग्स हैं। दीज रिंग्स आर बेसिकली कार्टिलेजेस, जो जिनको आप ट्रेकियल कार्टिलेजेस कहते हो। और ये कार्टिलेजेस यहाँ क्यों मौजूद हैं? क्योंकि ये बेसिकली ट्रेकिया को सपोर्ट कर रही होती हैं। कि कैसे सपोर्ट कर रही होती हैं? कि जब विंड या एयर मूव नहीं कर रही इनटू द ट्रेकिया, तो ये जो ट्रेकिया है ये कोलैप्स ना कर जाए। ठीक है, तो ये बेसिकली ये ट्रेकियल कार्टिलेजेस जो है इसको सपोर्ट कर रही हैं, उसको कोलैप्स होने से बचा रही हैं ट्रेकिया को। दूसरी रीज़न क्या है कि यहाँ पर जब विंड पास ऑन हो रही होती है तो ये इसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है ट्रेकियल को, ट्रेकिया या विंड पाइप को, ताकि ये ईजिली विंड इसमें से गुजर सके। एंड देन फाइनली मैंने आपको बताया कि ट्रेकिया फिर बाइफर्केट हो जाता है इनटू राइट लंग एंड लेफ्ट लंग, ये ब्रांचेस इसकी बन जाती हैं। ठीक है, ये प्राइमरी ब्रोंकाई है, ये मैं आगे आपको बताती हूँ इसकी सारी ब्रांचेस के बारे में। सो रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे पास, वो क्या है? हमारे पास लंग्स हैं। सो लंग्स के बारे में अगर हम बात करें, लंग्स की एनाटॉमी की, क्विक एनाटॉमी की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आप देखें ऑलरेडी हमें पता है कि दो लंग्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, एक राइट लंग है और एक लेफ्ट लंग है। सो कुछ डिफरेंसेस हैं राइट लंग के बारे में, राइट लंग में और लेफ्ट लंग में। तो डिफरेंसेस क्या हैं? अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा गौर करें तो आपको डिफरेंट लोब्स नज़र आ रही हैं। ठीक है, सो जो राइट लंग है उसके अंदर अगर आप देखें तो थ्री लोब्स हैं, राइट लंग की थ्री लोब्स होती हैं। सुपीरियर लोब जो सबसे अपर लोब होती है, फिर उसके बाद मीडियन लोब आ जाती है जो दरमियान में है, और उसके बाद इन्फीरियर लोब आ जाती है। सो राइट लंग हैज़ थ्री लोब्स। पर अगर हम लेफ़्ट लंग की तरफ मूव करें तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ दो लोब्स नज़र आ रही हैं। एक है हमारे पास सुपीरियर लोब एंड सेकेंड इज़ योर इन्फीरियर लोब। ठीक है, और फर्दर डेफिनेटली जैसे मैंने आपको बताया था कि ट्रेकिया चूँकि ब्रांचेस ऑफ हो जाता है जब वो लंग्स के अंदर एंटर होता है, तो जो ये जब ये बाइफर्केट होता है इनटू टू ब्रांचेस, तो ये जो
फर्स्ट मेन जो ब्रोंकस है इट इज कॉल्ड प्राइमरी ब्रोंकस, ठीक है, ये ट्रेकिया ब्रोंकस में बेसिकली कन्वर्ट हो जाता है, इसको प्राइमरी ब्रोंकस कहते हैं। फिर ये प्राइमरी ब्रोंकस फर्दर बाइफरकेट हो जाता है इनटू ब्रांचेस। जब प्राइमरी ब्रोंकस बाइफरकेट होता है तो वो क्या कहलाता है, लॉबर या फिर सेकेंडरी ब्रोंकस, ठीक है। अब ये सेकेंडरी ब्रोंकस जो है वो फर्दर डिवाइड होते हैं और वो क्या बना देते हैं हमारे पास, टर्शरी ब्रोंकस, जिसको क्या आप सेगमेंटल ब्रोंकस भी कह सकते हो। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इन दिस लेफ्ट लंग इज कार्डियक नॉश, ठीक है। अगर आप यहाँ पर एक और डिफरेंस देखो कार्डियक इसमें सॉरी राइट लंग में और लेफ्ट लंग में, तो आपको एक ये नॉश नज़र आ रही होगी, एक कर्व सा नज़र आ रहा होगा लेफ्ट लंग के अंदर, जो कि राइट लंग के अंदर बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। ये ऐसा क्यों है ये मैं आपको आगे चल के बताती हूँ वीडियो में। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि पहले उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्लूरा एंड प्लूरल कैविटीज़ क्या होती हैं, और इसमें मैं आपको असल में पता लगेगा कि जो कार्डियक नॉश है वो क्यों है। सो सबसे पहले तो हम कार्डियक नॉश का मैं आपको क्लियर कर दूँ, कन्फ्यूजन क्लियर कर दूँ कि लेफ्ट लंग में कार्डियक नॉश क्यों होती है। तो बेसिकली अगर आप यहाँ पर गौर करो तो यहाँ पर आपको हार्ट नज़र आ रहा है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है हमारा हार्ट जो होता है वो लेफ्ट साइड पर होता है, तो वो लेफ़्ट लंग को थोड़ा सा पुश कर देता है, क्योंकि हमारे लंग्स इलास्टिक होते हैं तो वो पुश हो जाते हैं हार्ट की इस पुशिंग की वजह से, ठीक है। तो थोड़ा सा एक नॉश सा एक कर्व सा बन जाता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हार्ट टूवर्ड्स दिस लेफ्ट साइड ऑफ द लेफ्ट लंग। तो इसलिए इसको आप कार्डियक नॉश कहते हैं कि जो हार्ट की वजह से एक छोटा सा कर्व बन जाता है, एक नॉश बन जाता है लेफ्ट लंग के अंदर, जबकि राइट लंग के अंदर इस तरह से नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ पर जो मैं इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाह रही हूँ लंग्स के बारे में वो क्या है, वो है लेयर्स ऑफ द लंग्स, जिनको आप प्लूरा भी कहते हो। सो वी हैव टू प्लूराज ऑफ द लंग्स। अगर आप ये इनर प्लूरा की बात करें तो हमारा ये क्या कहलाता है, जो ग्रीन कलर में आपको नज़र आ रही है, बेसिकली इंटरनल लेयर ऑफ लंग्स इज कॉल्ड विसरल प्लूरा, एंड द आउटर लेयर ऑफ और प्लूरा ऑफ लंग इज कॉल्ड पेराइटल प्लूरा, ठीक है। और यहाँ पर ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट प्लूरा है हमारे पास, और इन दोनों के दरमियान में आपको एक स्पेस नज़र आ रही होगी, एंड दैट स्पेस इज कॉल्ड इंट्रा प्लूरल सरफेस स्पेस और प्लूरल कैविटी, ठीक है। दोनों के दरमियान में एक स्पेस है, एक कैविटी बनी हुई है, तो इस कैविटी को आप क्या नाम दे रहे हो, दैट इज़ योर प्लूरल कैविटी। और ये प्लूरल कैविटी, विसरल प्लूरा, पेराइटल प्लूरा भी लंग्स की फिजियोलॉजी के लिए, लंग्स की वर्किंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा डायफ्राम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है लंग्स की वर्किंग के लिए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द क्विक एनाटमी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू कैन नेवर मिस एन अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग माई लेक्चर।